हाय पाइसिस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी जो रीडिंग कर रहे हैं वो है माँ काली की तरफ से। आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस आपको माँ काली इस समय देना चाहती हैं, आपके लिए क्या ज़रूरी है इस समय। देखिए, जिस भी सिचुएशन में आप अभी हो ना, जो भी आपके आसपास चल रहा है, जो भी आपके माइंड में इस समय चल रहा है, वो आप माँ काली से या फिर जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनका ध्यान लगाते हुए आप उनसे वो क्वेश्चन पूछिए, उनसे गाइडेंस मांगिए। कोई क्वेश्चन है आपका या किसी चीज़ को लेकर के कोई आंसर पूछना चाहते हैं आप, कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं आप, उसे मन में लेकर आइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए अगर आप आपका क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और बस ट्रस्ट कीजिए कि आपको वो गाइड कर रहे हैं। उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। छह मकान, जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय। पाइसिस मीन राशि, जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। No, you are safe. Protection is always available to you. You have all the resources that you need, both within and around you. Beautiful. Thank you, ma'am. Okay. Move quickly. Some opportunities require quick responses. Use your instincts to guide your way. Don't be afraid to move fast on your hunches. Okay. Thank you, please, kind. Practice patience. Conditions outside sometimes determine the best time to move forward. Wait and work on something else until these conditions changes. Okay. तो मूव क्विकली भी है आपके लिए और प्रैक्टिस पेशेंस भी है आपके लिए। गेट अप, राइट? गेट अप का कार्ड है। नो मैटर हाउ फार वी हैव फॉलन, वी मस्ट ट्राई अगेन। ऑल इज नॉट लॉस्ट अंटिल वी गिव अप। वॉन, grieving can be overwhelming but necessary. We are cleansed by letting our feeling wash through us. Only then we can move past the pain. आपके लिए पता है मुझे क्या एक लाइन बता रहे हैं डिवाइन? जब जागो सब तब सवेरा, ठीक है? कि अभी अगर कुछ लोगों को ये लग रहा है ना कि सबसे पहली बात तो कि अभी बहुत देर हो चुकी है, तो सबसे पहले डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि माय डियर, कोई देर नहीं हुई है। जब जागो तब सवेरा। आप कहते हैं ना, मन के जीते जीत और मन के हारे हार। अगर आपका मन हार गया, आप अंदर से हार गए, तो फिर आपकी हार है। अगर आपने मन को जीत लिया, आपने मन को डिमोटिवेट नहीं होने दिया, तो फिर आपको हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है, ठीक है? तो सिर्फ हम खुद हैं जो अपने आप को हरा सकते हैं और कोई नहीं, राइट? अगर हम कोशिश करने जारी रखें, आगे बढ़ना जारी रखें, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है
कि कोई भी ऐसी कोई आपके अंदर कोई सैड सिचुएशंस आपके साथ हुई हैं या फिर कोई भी दुखद घटना आपके साथ हुई है किसी भी तरीके की, या फिर कोई भी चीज़ जो बुरी आपको बहुत लगी है, मौन की एनर्जीज हैं, मौन की, ठीक है, शोक की एनर्जीज है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप रोएंगे या उस चीज़ का अगर आप उस बारे में सोच करके अगर आप अपने आंसू, आपको आंसू आते हैं, आप उस एनर्जीज़ को रिलीज़ करते हो तो बहुत अच्छी बात है। वो एक ज़रिया होता है एक क्लिनजिंग का, राइट, कि वो जो सिचुएशंस थी आप अपनी आँखों के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू बेसिकली आप उन्हें रिलीज़ कर रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो, पास्ट के पेन से आगे बढ़ रहे हो, राइट। वो जो भी पेन रहा, सबके लिए ये अलग अलग सिचुएशन होगी, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इस मैसेज को लीजिए। तो आपको बोला जा रहा है अभी वक्त है उस सिचुएशन को ख़त्म करने का, उस सिचुएशन में बैठे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। मे बी ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपका कोई क्लोज्ड वन जो कि आपको बहुत सपोर्ट करते थे वो चले गए हों, या फिर कहीं आपको असफलता मिली हो, बिजनेस में लॉस हुआ हो, ये जस्ट एक प्रैक्टिकल चीज़ें, यस, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, कुछ भी नहीं है, किसी भी तरीके से आपको, आप अपने अकॉर्डिंग मैसेज लीजिए। आपने क्वेश्चन पूछा है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस मैसेज को रिसीव कीजिए। तो कहने का मतलब आप चाहे जितने भी नीचे चले गए हों, आपको ऐसा लग रहा है, राइट, आप एक ऊंचाई से गिरे या फिर आप चल रहे थे, आप गिर गए, ठीक है, मतलब इन द सेंस कि आप को कोई लॉस हुआ या फिर कोई किसी चीज़ का तो लॉस हुआ है, यहाँ पर कोई चीज़ तो छिनी है आपसे या फिर कोई चीज़ दूर चली गई है, कुछ ना कुछ तो पेन है आपके अंदर। तो ये वक्त है माय डियर उस पेन को रिलीज़ करने का अपने इमोशंस के द्वारा। यहाँ पर आपके लिए सपोर्ट भी है, ठीक है, जो ऐसे लोग हैं आपके आसपास, जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके डियर वंस हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, प्लीज़ उनसे कनेक्ट होइए। वो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हो सकते हैं, वो आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनसे बात कीजिए और इस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। आपको बोला जा रहा है क्योंकि आगे बढ़ने का वक्त है, आपको अब आगे बढ़ना है, ट्राई करना है, ठीक है, सब कुछ नहीं खोया है, ठीक है, आप गिव अप नहीं कर सकते इस वक्त में, ठीक है, आपको खड़ा होना है, ठीक है। यहाँ पे गेटअप की एनर्जीज है आपके लिए, यहाँ पे सपोर्ट है, बहुत ही एक डिवाइन यहाँ पर देख रहे हैं, वाइट कलर का होट्स है जिसकी गोल्डन हेयर्स हैं, जैसे कि वो जगाने की कोशिश कर रहा है कोई ना कोई आपके आसपास ना, चाहे वो पेट के रूप में, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर, चाहे वो कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स, मतलब कोई ना कोई आपके कलीग, आपके कोई भी आसपास कोई तो है आपके आसपास, एक या एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है उनकी सुनो और आगे बढ़ो। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर माँ काली आपको यही बोल रही हैं कि यू आर सेफ, ये आपको जानने की ज़रूरत है, जो होना था वो हो चुका, अब डरो मत, अब झिझको मत, किसी गिल्ट में मत आओ, अपने आप को बांधो मत, रिस्ट्रिक्ट मत करो किसी भी चीज़ को लेकर के, ठीक है, प्रोटेक्शन आपके लिए है यहाँ पर, आप सेफ हो। इन केस अगर आपको किसी भी चीज़ में डर लग रहा है या फिर किसी भी तरीके से कि कोई आप पर ये जस्ट या मुझे एक ये थॉट उन्होंने दिया है, ये मैसेज उन्होंने दिया है मुझे कि मे बी आपको अगर ऐसा लगता है कोई आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है या फिर कोई आपके काम को बांध रहा है या फिर आप किसी भी वे में आप सेफ फील नहीं कर रहे हो, आप डिवाइन की प्रोटेक्शन मांगिए। वो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको बैठना है और डिवाइन से प्रार्थना करनी है, दैट्स इट, सिंपल, कि जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको प्रोटेक्ट करें जिस भी चीज़ में आप अपने आप को अनसेफ फील कर रहे हो या ओवरऑल, ठीक है, तो वो आपको सेफ कर रहे हैं, प्रोटेक्शन तो आपके लिए अवेलेबल है, बस बोल दीजिए। और लिखा है यू हैव ऑल द रिसोर्सेज दैट यू नीड बोथ विद इन एंड अराउंड यू। तो जो भी चीज़ आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए ना, जो भी चीज़ आपको आगे ग्रो करने के लिए चाहिए, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए चाहिए, इन चैलेंजेस से, तकलीफ़ों से बाहर निकलने के लिए चाहिए, वो आपके पास है, वो रिसोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो बाहरी तौर पर हो, चाहे वो अंदरूनी तौर पर हो,
आपके पास अवेलेबल है, अब आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो वो आपकी गलती है इस समय। मूव क्विकली का कार्ड है, अगर आप उसे समझ गए हैं तो प्लीज़ मूव क्विकली। इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसी कंडीशंस हैं तो थोड़ा सा पेशेंस लाओ। ये दोनों तरह के मैसेज हैं आपके लिए, ठीक है। जो लोग एक तो इस सिचुएशन में स्टक्ड हैं, स्टक्ड इन द सेंस आप स्टक्ड नहीं हो, अगर सिचुएशन ही ऐसी हुई पड़ी है, थोड़ा सा सब्र रख लीजिए, कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, देन आप आगे एक्शन लीजिए अपनी लाइफ में। लेकिन इस समय आपको अपनी मनस्थिति को आपको संभालना, आपको अपने आप को संभालना है तब तक। और जिन लोगों की कंडीशंस, जिन लोगों को पता है कि यस ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर ये मेरा ही है, अगर मैं अपने आप को स्टैंड कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो मैं सिचुएशन से इजीली बाहर निकल सकती हूँ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप पूरे उस पर जिसे कहते हैं ना कि आपके पास वो अथॉरिटी है, आप फ्री हैं उस चीज़ को लेकर के। तो आपको बोला जा रहा है एक्शन लीजिए उस चीज़ को लेकर के, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ रिस्पॉन्सेज जो है वो क्विक होने चाहिए, ठीक है, वो क्विक डिसीजंस मांगते हैं, जल्दी से उन चीज़ों को अप्लाई कर लेना चाहिए। अपनी जो आपकी इंस्टिंक्ट्स है, आपकी जो गट फीलिंग है, आपकी जो इंट्यूशन है, उनके थ्रू गाइड्स आपसे बात कर रहे हैं, माँ काली आपके डिवाइन आपसे बात कर रहे हैं। तो डरो मत और आगे बढ़ो, उन सभी चीज़ों को कैंसिल करते हुए आगे बढ़िए। फिर भी अगर लगे कि सिचुएशंस ठीक नहीं लग रही हैं मुझे, तो डोंट वरी, आप आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, अपना कर्म करते जाओ, सिचुएशंस हील होंगी। पर अपने आप को इन सिचुएशन से बाहर निकालो, आपको यहाँ पर डिवाइन सबसे बड़ा मैसेज ये दे रहे हैं, ऐसी एनर्जी से बाहर निकालिए जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में इस वक्त में हुई है, ठीक है, या रिसेंट पास्ट में हुई है। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू। अपनी लाइट से कनेक्ट हुई है, ओके, ये आना चाहता है, नहीं मैं नहीं लूँगी अभी, आना होगा तो मैं आज अलग तरीके से मैसेजेस ले रही हूँ। थैंक यू सो मच भैया, प्लीज़ बताइए पाइसेस के लिए क्या मैसेज है और क्या बताना चाहते हैं। अगर आना होगा तो वो दोबारा से आ जाएगा, राइट, मैं फ्लिप किए हुए नहीं लूँगी। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक यू। ओ माय गुडनेस, मैंने बोला ना आना होगा तो आएगा। ओ माय गॉड, टीच, टीच का कार्ड है आपके लिए, ब्यूटिफुल, मतलब मैजिक, मैजिक, मैजिक। अगेन बोलूँगी, आपके साथ कोई ना कोई सपोर्ट है, आपके कोई सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सोल पर्सन, सोल फैमिली, इवन वो पेट के रूप में हो सकते हैं, कोई ना कोई तो है भाई आपको ना, आपके साथ, आपको सपोर्ट करने के लिए हरदम है पाइसेस। अब आप उन्हें पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, आपकी इंट्यूशन तो जानती है, आप उसे इग्नोर कर रहे हो या फिर आप मानने से इनकार कर रहे हो तो वो अलग बात है, अदरवाइज यू नो वेरी वेल वो ऑलवेज आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, टीच का कार्ड है, ओके, एंड रीबिल्ड, ओ माय गुडनेस, रीबिल्ड, ये है टावर की एनर्जी, दोबारा से बिल्ड करना कोई, यस मैंने बोला ना कि कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में घटना घटी है, कुछ तो पेन है आपके अंदर, कुछ चीज़ें तो है जिन्होंने आपको बहुत हर्ट करा है, लेकिन यस एक मैं कहूँगी दोबारा से चीज़ें बननी थी, वो कुछ रॉन्ग फाउंडेशंस थी या फिर आपको उनसे कुछ सीखना था ताकि आप आगे सिखा सकें। टीच का कार्ड है, मे बी आप लोग हीलर्स हो सकते हो, मोटिवेट स्पीकर हो सकते हो, ठीक है, या फिर आपको YouTube चैनल पर आप टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हो, या फिर आप YouTube चैनल पर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लोगों को कुछ ना कुछ है आपके थ्रू जो लोगों तक चीज़ जाएगी, मतलब बेसिकली आपकी लाइफ में ये जो मूवमेंट हुआ है ना वो आपको कुछ सिखाने के लिए हुआ ताकि आप आगे उस चीज़ को एक्सप्लेन कर सके, ताकि आप और लोगों के जीवन को संवार सके, राइट, जो आपने सीखा है इससे लेसन जो सीखा है कि किस तरीके से बाहर आना है, यहाँ पर ज़िंदगी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है, हमारे हाथ में है सभी चीज़ें,
मतलब कुछ ना कुछ आपके थ्रू वो चीज़ें बाहर आनी हैं, ओके और आपको इस वक्त में बोला जा रहा है विद दिस कार्ड ऑल्सो कि एक तो सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है, प्लीज़ उसे समझिए, उसे पहचानने की कोशिश कीजिए, और दूसरी बात आपके लिए बुक रीडिंग करना, कोई स्पिरिचुअल बुक, कोई रिलीजियस बुक रीड करना आपके लिए बहुत अच्छा है, और डिवाइन के साथ कनेक्शन इस समय बिल्ड कीजिए। आप ऑलरेडी डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हो, आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन मे बी आप इस वक्त में इतनी लोअर वाइब्रेशंस में आप चले गए हैं कि आपकी इंट्यूशन, आप अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे हैं, आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, प्लीज़ जो भी आप प्रैक्टिसेस, जो भी आप रिचुअल्स या जो भी आप चीज़ें आप करते थे ना उनसे कनेक्ट होने को लेकर के, प्लीज़ उन्हें कीजिए, चाहे वो मंत्रा चैंटिंग्स हो, चाहे वो योगा हो, मेडिटेशंस हो, हीलिंग हो, कोई भी चीज़ हो, प्लीज़ उसे कीजिए। आप काउंसलर भी हो सकते हो, काउंसलिंग इन द सेंस कि ये आपकी जॉब भी हो सकती है, या फिर आप काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हो, आपकी काउंसलिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं। कहने का मतलब कि आप लोगों को गाइड बहुत अच्छे से करते हो। अगर आपकी जॉब भी नहीं है ना ये, या तो आप इनडायरेक्ट वे में किसी ऐसी जॉब में ही हो कि आप काउंसलिंग करते हो, अदरवाइज़ आपके स्किल्स इनबिल्ड आप ऐसे ही हो, आपसे लोग राय लेना पसंद करते हैं, और आपकी राय से लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छे मूव्स लेकर के आते हैं, अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस भी लेकर के आते हैं। तो आपको बोला जा रहा है उस चीज़ से कनेक्ट हुई है, ओके ये कार्ड आना चाहता था, मैं एक्चुअली में लेना चाहती थी लेकिन आई डोंट नो मैं इसे इग्नोर क्यों कर रही थी। सोलर प्लेक्सिस चक्रा, तो ये अपने ना कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस पर काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। यहाँ पर इस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो गया है पाइसिस, तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर काम कीजिए, उसे हील कीजिए, ठीक है। अभी चीज़ें रिबिल्ड होंगी, अब रिबिल्ड करने का टाइम आ गया है, वो जो टावर मूवमेंट था वो हो चुका, ठीक है। अब उससे आगे बढ़ो, येल्लो येल्लो येल्लो, बहुत ही येल्लो, ये सन की ऊर्जा आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। थोड़ी देर, चाहे 3 मिनट्स 5 मिनट्स, आप ज़रूर सन की जो है रेज लीजिए, ठीक है। उसकी ऊर्जा को अपने अंदर आने दीजिए, और सूर्य देव को जल अर्पित ज़रूर कीजिएगा। सोलर प्लेक्सस चक्रा की एक्सरसाइज, आई मीन उसकी मेडिटेशन आप कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मेडिटेशन, डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाना, उनके साथ कनेक्ट होना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है माय डियर, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को गाइड कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके और ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये भी बता रहा है कि आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल है। अभी वो चाहे आपको अपने अंदर से मिल रही है, चाहे वो आपके आसपास कुछ लोग हैं उनके थ्रू मिल रही है, या फिर आप जैसे वीडियो देख रहे हैं यहाँ से आपको वो गाइडेंस मिल रही है, बस आपको रिसीव करना है, अपने आप को ओपन रखना है, अपने हार्ट को ओपन रखना है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और क्या कहना चाहेंगे आप? अगेन डिसरप्शन का ही कार्ड है, जो कि बता ही चुका है, अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स से बाहर आइए। आपको मैं आपको ये बोल रही है, अपने आप को बंद मत कीजिए अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स से, ठीक है। जो भी चीज़ें हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, वो जा चुकी हैं, उससे बाहर आइए, ठीक है। उससे बाहर आने के लिए बोला जा रहा है अगेन टावर की एनर्जी से, कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में हुआ है, दोबारा से रिबिल्ड करना है आपको, दोबारा से आगे बढ़ना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अब ये वक्त जो है सैड एनर्जीज में रहने का नहीं है माय डियर, ऐसी नेगेटिव ऊर्जा से बाहर आने का वक्त हो गया है। माँ काली आपको यही बोलना चाहती है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। माँ और क्या कहना चाहते हैं आप पाइसेस को? ओह माय गॉड, क्राउन चक्रा, यस, ओपन ओपन कीजिए अपने क्राउन चक्रा को, कनेक्ट होइए, डिवाइन तो अवेलेबल है अभी भी। अगर इस वक्त में अगर आप इस गाइडेंस को पूरी तरीके से रिसीव नहीं कर रहे हो, या फिर आप इसे इग्नोर कर रहे हो माय डियर, तो आपका क्राउन चक्रा यहाँ पर ब्लॉक्ड है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप डिवाइन के बहुत क्लोज हैं, आप उन पर बहुत विश्वास रखते हो। यहाँ पर मैं यस, आप रिलीजियस भी हो सकते हो और स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, दोनों तरह की एनर्जीज यहाँ पर है। तो वो प्रैक्टिसेस कीजिए, चाहे वो आप मंत्रा चैंटिंग्स करते थे या नहीं भी करते थे, तो प्लीज़ उसको करना स्टार्ट कीजिए। कहने का मतलब वही है, वही एक ज़रिया है जो आपको डिवाइन से और क्लोज लेकर के जाएगा, वही एक ज़रिया है जो आपकी इंट्यूशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा, और वही एक ज़रिया है जो आपको अंदर से बहुत मजबूत बनाएगा ये डिसीजंस लेने में, आगे बढ़ने में। थैंक यू सो मच माँ। और क्या आप मैसेज देना चाहते हैं अपने बच्चों को? प्लीज़ थैंक यू सो मच। जय माँ काली।
एंड यस, एक मैसेज तो फॉर श्योर है आपके लिए कि अपने इमोशंस को ना रोकिए मत. यस, अपने इमोशंस को रोकिए मत. जितना वो बाहर आएंगे, जितना वो निकलेंगे ना आपके अंदर से, उतने ही आपके लिए एक दरवाजे जो है ओपन होंगे, उतनी ही आप उस एनर्जीज़ को रिलीज़ कर पाओगे. अदरवाइज़ क्या है कि वो एनर्जीज़ अंदर ही स्टक्ड रह जाएगी. ठीक है, तो किसी से बात करना, अपने हार्ट चक्र की मेडिटेशन कीजिए. मैंने आप एक बार यहाँ पर बताया भी था, रामा दासा सा से सोहंग. ठीक है, रामा दासा सा से सोहंग, ये एक मेडिटेशन है हार्ट चक्र की, आप उसे सुनिए. आपके जो भी जिस तरीके के भी इमोशंस आते हैं, प्लीज़ उन्हें रिलीज़ कीजिए. ये बहुत ज़रूरी है. इनकेस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो लिखिए. बोलना वैसे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए. कम्युनिकेट फ्रीली. ओके, आई कम्युनिकेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई बींग. ओ माई गॉड, देखा, दिल की बातों को बाहर निकालना, जो आपके अंदर है उसे पूरी तरीके से बाहर निकालना है आपको. यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं, ओ माई गॉड, मैं एग्जैक्टली यही बोल रही थी कि आपकी, मैं ये नहीं कह रही आपके आसपास लोग नहीं हैं, माय डियर, आपकी दिल की बात को सुनने के लिए नहीं है, अवेलेबल हैं, लेकिन आपको वो बोलना है, उसे रिलीज़ करना है. ये दो तरह के मैसेजेस हैं यहाँ पर, दोनों दे रही हूँ आपको. एक तो कि अपनी बातों को, अपने अंदर से जो भी आपने टॉक्सिसिटी को इकट्ठा कर रखा है ना, जो भी वो उन चीज़ों को, इस पेन को इकट्ठा कर रखा है ना, उसे रिलीज़ करो बोल करके, इमोशंस के थ्रू या कम्युनिकेट करके. एंड जो भी आपके अंदर होता है ना, विद द टीच एंड कम्युनिकेट फ्रीली, जो आपके अंदर आता है वो लोगों के लिए गाइडेंस है. आपके साथ जो भी हो रहा है ना पाइसेस, वो आगे पास आउट कीजिए. ठीक है, अभी वो किसी भी फॉर्म में कैसे भी है, ठीक है, उसे बोलने की ज़रूरत है. मैंने बोला ना, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, ठीक है, टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हो, हीलर्स हो सकते हो, या फिर जो भी आपके दिमाग में आता है ना कि मुझे ये चीज़ शेयर करने की ज़रूरत है. चाहे मैं कह रही हूँ आप यूट्यूब पर नहीं हो, राइट, या फिर आप किसी और सोशल मीडिया पर नहीं हो, सिर्फ आप व्हाट्सएप पर ही हो, आपको लगता है कि ये ज़रूरी है, ये और लोगों के काम आ सकती है चीज़, आपको अंदर से वो फीलिंग आ रही है, अपने स्टेटस में डालिए जो आपको मैसेज रिसीव हो रहा है, जो आपको उसका रस मिल रहा है ना, उसे निकालिए बाहर. ठीक है, उसे शेयर कीजिए, वो बहुत से लोगों की मदद करेगा एक्चुअल में. थैंक यू माँ काली, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दीज ब्यूटीफुल मैसेजेस. थैंक यू. और क्या लास्ट मैसेज आप देना चाहते हैं पाइसेस को? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. सॉल्यूशन आपके पास है. वेट फॉर विंटर. ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ, द फेयरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट हार्टफेल्ट विशेस एज लॉन्ग एज योर इंटेंशंस आर फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल. देखिए, जो भी आप कुछ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, जो भी आपकी विशेस है, राइट, आपको बोला जा रहा है विंटर तक वेट कर लो, अपने आप को स्टैंड कीजिए, उसको लेकर के आगे बढ़िए, पॉजिटिव माइंडसेट में आइए. इस विंटर में आपकी वो विशेज़ जो है फुलफ़िल होने वाली है, लेकिन आपको अपने जो भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही है, राइट, आपके हाईएस्ट गुड के लिए, लेकिन उसके लिए तब तक आपको अपनी इंटेंशंस डालती रहनी पड़ेंगी. जो गुड इंटेंशंस हैं वो आपको डालती रहनी पड़ेगा. ठीक है, अपने आप को पॉजिटिव करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा ऐसी लोअर एनर्जी से, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है. और यहाँ पर वो, यहाँ पर क्वीन ऑफ विंटर हैं आपके लिए, और वो आपकी मदद कर रही हैं. आपकी जो भी आपकी विशेज़ हैं, जो आपके दिल के बहुत करीब हैं और जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी हैं, उन्हें मैनिफेस्ट करने में वो आपकी मदद कर रही हैं. ठीक है, तो उनके लिए ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा, थैंकफुल ज़रूर रहिएगा, अपनी डिवाइन टीम को भी थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति भी ग्रेटफुल रहिएगा. और ख़ासकर माँ काली, जिनके द्वारा आपको ये मैसेजेस भी डिलीवर्ड हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, तो यस, जो आने वाले, जो अभी स्टार्ट ही होने वाले हैं विंटर्स, तो यस, आपकी विशेस फुलफ़िल होंगी. तो उसके लिए रेडी हो जाइए, उसके लिए अपनी एनर्जीज को सही कर लीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पाइसेस. ब्यूटीफुल. तो यस पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग, ब्यूटीफुल सी. आई होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हों, आप यहाँ से गाइडेंस रिसीव कर पाए हों. कर पाए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में माँ काली को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर उनको इस गाइडेंस की आवश्यकता है, नीड है, तो प्लीज़ उनको भी यहाँ से मिल पाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.